नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग्सवे ग्रुप के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के अंदर, एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है आपका, जहां हम आज आपको एक लग्जरी सेगमेंट के यहां पे अपार्टमेंट्स को आपको यहां पे विजिट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा दिव्या मैम को यहां वीडियो के अंदर। तो मैम, एक बार थोड़ा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप देंगे प्लीज़ इसके बारे में। सबसे पहले मैं लोकेशन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। जी, आपने मानसरोवर के अंदर स्कॉन रोड है, बिल्कुल स्कॉन रोड पे आगे आएंगे तो हयात होटल के सर्कल, बिल्कुल उसी साइड में अपना प्रोजेक्ट है टेरेजा ग्रीन्स नेम से, टेरेजा ग्रीन्स के नाम। बिल्कुल। ओके मैम, तो कितने यूनिट्स है यहाँ पे टोटल? टोटल 167 यूनिट्स हैं इस टावर के अंदर। ओके, कितने टावर हैं? दो टावर हैं, सोसाइटी अगर लेके चले तो 300 लोगों की सोसाइटी। 300 लोगों की सोसाइटी यहाँ पे। अच्छा, कुछ यहाँ पे फ्रंट रोड और साइड रोड के बारे में थोड़ा बताइए, कितने फीट रोड है? आपके फ्रंट जो एंट्रेंस एग्जिट होगी वो 60 फीट रोड पे हो जाएगी और अप्रोच रोड हो जाएगी प्रपोज्ड 160 फीट रोड। ओके, और यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज आप दे रहे हैं थोड़ा ब्रीफली बताइए मेरे को प्लीज। सर, एमिनिटीज ऑलरेडी लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो सारी एमिनिटीज हैं। अगर हम कहें आपके सोना स्टीम स्पा, जकूजी, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी और हर एक फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ओके, थोड़ा साइजेस बताएंगे यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK की? 2 BHK की साइजेस स्टार्ट हो जाती है 1257 1257 स्क्वायर फीट से 1414 स्क्वायर फीट के अंदर। यहाँ 9 लेआउट है। ओके, इसमें 2, 2.5 और 3 BHK हैं। ओके, और 3 BHK की बात करें तो 3 BHK 1690 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 1800 स्क्वायर फीट में तीन डिफरेंट स्पेशियस, तीन डिफरेंट साइजेस। अच्छा ठीक है, अभी पॉसिबल है हम टूर कर सकते हैं अंदर कोई फ्लैट, अगर सैंपल फ्लैट रेडी हो? बिल्कुल, सैंपल फ्लैट रेडी है। तो कौन से वाले का अपन टूर करेंगे, 2 या 3 BHK का? 3 BHK का है, 1800 स्क्वायर फीट का, 1800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा अपने प्रोजेक्ट का, एक बार मेरे को थोड़ा डिटेल बता दीजिए, नाम और जो बिल्डर है उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, प्रोजेक्ट का नेम है टेरेजा ग्रीन्स, टेरेजा ग्रीन्स, और ये MNC ग्रुप मनोज नितेश कंस्ट्रक्शन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ओके, चलो फिर हम एक बार यहाँ पे 3 BHK का टूर करेंगे, साथ साथ में अपन अंदर चल के यहाँ पे बताएंगे आपको प्राइस के बारे में डिटेल, यहाँ पे हम बताएंगे आपको साइजेस, जैसे कि मैम ने यहाँ पे बताया बहुत अच्छी साइजेस में आपको 3 BHK यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो चलिए कैमरामैन जी, एक बार अपने यहाँ पे 3 BHK का टूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 3 BHK अपार्टमेंट का यहाँ पे टूर करने वाले हैं, तो जैसे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे गेट जो एंट्रेंस अपन देखते हैं, तो सबसे पहले आप गेट के एक बार साइज दिखाइए कैमरामैन जी। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे साइज आपको देखने को मिल जाती है, लेंथ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे गेट का लेंथ आपको देखने को मिल जाता है। फिर जैसे एंटर करते हैं सामने की तरफ, यहाँ पे सूर्यक्स का आपको एक सेपरेटली अब जगह मिल जाती है, जो कि एक सबसे खूबसूरत जो बात है इस अपार्टमेंट की, अगर कोई भी जैसे कुरियर बॉय वगैरह आता है अगर सामने यहाँ पे, तो बिल्कुल भी अंदर की तरफ है ना, ज़्यादा यहाँ पे देख नहीं सकता अंदर की तरफ कुछ भी हो रहा है, बेडरूम की तरफ तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देख सकते। तो आइए कैमरामैन जी, अपन जैसे एंटर करते हैं, एंटर में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ड्राइंग और डाइनिंग एरिया दोनों यहाँ पे सेपरेट देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ड्राइंग एरिया की, तो एक बार दिखा दीजिए ड्राइंग एरिया का पूरा लुक, एक बार दिखा दीजिए कितना ज़बरदस्त लुक यहाँ पे ड्राइंग एरिया का यहाँ पे दिया गया है। फिर देखते हैं अपन इधर सामने की तरफ वॉलपेपर का जो काम देखते हैं, तो बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर का काम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे ये देने वाला है। साथ साथ में अगर यहाँ पे देखते हैं अपन जो टेबल की मैं बात करूँ, तो बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जिसको आप हाईलाइट कीजिए एक बार। फिर इधर सामने की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि सेपरेट करता है डाइनिंग और ड्राइंग एरिया को। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एक बार हाईलाइट कर दीजिए। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे लगभग 6 सीटर डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है, जो टेबल और चेयर्स की अगर मैं लुकिंग की यहाँ पे बात करूँ, तो बहुत ही खूबसूरत लुकिंग यहाँ पे दी गई। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अपन सैंपल फ्लैट का यहाँ पे टूर करने वाले हैं, तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो इंटीरियर डिज़ाइन में काउंट की जाएगी, ये आपको रो फ्लेट में नहीं मिल पाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पे किचन का एक बार लुक यहाँ पे देख लेते हैं, तो यही कैमरामैन जी एक बार किचन का लुक यहाँ पे दिखा दीजिए। किचन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मार्बल का यहाँ पे टॉप किया गया है, साथ साथ में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वुडन का बहुत अच्छा यहाँ पे काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फ्रिज के लिए एक सेपरेट आपको जगह यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों तरफ यहाँ पे जगह दी गई है। फिर जो एक सबसे अच्छी खूबसूरत जो यहाँ की जो बात है, अगर मैं यहाँ पे फिटिंग्स वगैरह की बात करूँ, तो बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की आपको यहाँ फिटिंग देखने को मिल जाती है। फिर इधर की तरफ देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो बालकनी का जो है, 4 बालकनी आपको मिल जाती है 3 BHK के अंदर। यहाँ पे आपको सेपरेटली वॉशिंग एरिया के लिए स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि अगर बाई वगैरह काम करती है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। फिर देखते हैं इधर अपन डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने की तरफ, इधर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बालकनी का यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बालकनी का यहाँ पे दिया गया है। तो बालकनी का स्पेस भी एक बार मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ, यहाँ से दिखाई कैमरामैन जी बालकनी अगर देखते हैं, तो बहुत अच्छा बालकनी का स्पेस दिया गया है, जो कि इधर की तरफ भी करता है, साथ साथ में इधर रूम की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि उधर भी रूम की तरफ भी बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ एक बार दिखा दीजिए,
यहाँ पे आपको नीचे गार्डन का एरिया यहाँ पे रहेगा, पोडियम गार्डन यहाँ पे दिया गया, तो जो कि लुक बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिर देखते हैं अपन सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल का स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया, वुडन का बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पे किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह की, तो बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर भी यहाँ पे कवर्स लगा के यहाँ पे पूरा प्रॉपरली स्पेस को यहाँ पे यूज़ यहाँ पे किया गया है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो बहुत अच्छा बड़े से बड़ा टीवी आपका आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो कॉमन वॉशरूम का लुक एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। तो सैनिटरी फिटिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जगुआर जैसी कंपनी की आपको सैनिटरी फिटिंग देखने को मिल जाती है। साथ साथ वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यहाँ पे वॉशरूम में ध्यान रखा गया है। टाइल्स वगैरह के लुक की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर देखते हैं अपन फर्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए कैमरामैन जी एक बार बेडरूम की तरफ देख लेते हैं। तो बेडरूम में हम जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको वुडन टाइल्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बेडरूम की मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग 12x12 के आसपास का बेडरूम की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। एक बार हाईलाइट कर दीजिए पूरा डिज़ाइन। अगर कर्टन्स वगैरह की डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें एक सबसे बात यह है कि जो मैंने रूम साइज़ बताया 12x12 के साइज़ के अलावा यहाँ पे ड्रेसिंग साइज़ जो है वो इसके अलावा यहाँ पे दी गई है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग ड्रेसिंग का यहाँ पे आपको मिल जाता है कबर्ड्स, जो कि बहुत अच्छा स्पेस में यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम का लुक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बार कैमरामैन जी दिखा दीजिए। वेंटिलेशन का भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया, साथ साथ में टाइल्स वगैरह का भी बहुत अच्छा यहाँ पे डिसेंट लुक की आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आइए अपन देखते हैं जो सेकंड बेडरूम है उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड बेडरूम की साइज़ की मैं बात करूँ तो वही लगभग 12x12 के आसपास की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग कवर्स का भी यहाँ पे आपको जगह देखने को मिल जाती है, जो बहुत अच्छी सफिशियंट जगह यहाँ पे दी गई है। अंदर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। एक बार ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का लुक भी एक बार दिखा दीजिए। साथ साथ में वॉलपेपर वगैरह का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा डिसेंट लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रूम की साइज़ की बात करूँ तो बहुत अच्छा यह साइज़ देखने को मिल जाता है। दोनों तरफ बेड लगने के बाद में बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिख जाता है। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। इधर की तरफ क्रिकेट अकेडमी की यहाँ पे जगह है, जो कि बहुत अच्छा व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इधर की तरफ ये भी एक बार थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। फिर देखते हैं अपन ने जैसे अभी तक देखा डाइनिंग एरिया देखा, साथ साथ में अपन ने ड्राइंग एरिया देखा, किचन देखा अपने, एक दो बेडरूम ने देखे, तीसरा बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है उसका भी एक बार अपन लुक देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 14x12 के आसपास की साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मास्टर बेड यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद में भी यहाँ पे बहुत अच्छा ही स्पेस यहाँ पे बच जाता है। और साथ साथ में देखते हैं पीछे की तरफ जो लुकिंग की अगर मैं बात करूँ, डिज़ाइन की जो बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वॉलपेपर का जो काम है बहुत अच्छा है, यहाँ पे वॉलपेपर का काम किया गया है। इधर की तरफ एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग यहाँ पे आपको कबर्ड्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सेपरेटली रूम की साइज़ के बाहर आपको यहाँ पे दी गई है। फिर इधर की तरफ देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको चार बालकनी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ यहाँ पे आपको सेपरेटली बालकनी इस रूम की देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा लुक यहाँ पे आपको बाहर की तरफ दिखाई देने वाला है। फिर सामने की तरफ दिखा दीजिए टीवी पैनल का भी एक बार लुक। टीवी पैनल बहुत अच्छा यहाँ पे आपको दिया गया है। साइज़ की बात करूँ तो बहुत अच्छा यहाँ पे साइज़ आपको दिया गया है। फिर हम देखते हैं इधर की तरफ जो अटैच वॉशरूम है उसका लुक भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अटैच वॉशरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा साइज़ यहाँ दिया गया है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ टाइल्स वगैरह के वर्क की, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तीन बेडरूम देखे, दो बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है, एक आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 BHK लगभग 1700 स्क्वायर फीट से लेकर 1800 स्क्वायर फीट 3 BHK आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK दोनों यहाँ पे बने हुए लगभग 47 लाख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और 3 BHK की बात करूँ तो लगभग आपको 64 लाख के आसपास आपको 3 BHK यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाता है। बाकी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।